हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आवेशित जो अचालक गोला है, इस पर आवेश किस प्रकार ठहरता है। मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि अचालक पदार्थ को जब आवेश दिया जाएगा तो वह वहीं ठहरेगा, यानी उसी स्थान पर उपस्थित रहेगा जिस स्थान पर इस पर आवेश रखा गया है। क्योंकि उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि जो अचालक पदार्थ होता है हमारा, अचालक पदार्थ में किसी भी प्रकार के आवेश वाहक नहीं होते। आवेश वाहक का मतलब क्या होता है? आवेश वाहक का मतलब होता है कि आवेश को ले जाने वाले, और आवेश को ले जाने वाले मतलब जैसे चालक होते हैं हमारे, चालक पदार्थ होंगे, चालक पदार्थों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जब हम किसी चालक पदार्थ को आवेश प्रदान करेंगे तो उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही मोमेंट करा देंगे, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, और चालक पर आवेश अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित करेगा कि उसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से फैल जाए। जबकि ये अचालक पदार्थों के लिए ऐसा नहीं होता। अचालक पदार्थ में ये आवेश वाहक नहीं होते, आवेश वाहक नहीं होंगे तो मान लीजिए ये अचालक पदार्थ, हमने यहाँ आवेश प्रदान किया इसको, क्यों? तो अब यहीं रहेगा ये। क्यों? क्योंकि इसको इस दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी ज़रूरत थी? आवेश वाहक की ज़रूरत थी, और आवेश वाहक इसके पास है नहीं, तो क्या होगा? ये आवेश इसी स्थान पर रहेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी अचालक को हम आवेश प्रदान करेंगे तो वो आवेश उसी स्थान पर रुका रहेगा जिस स्थान पर उसको हमने दिया है। इसलिए हम यहाँ जो टॉपिक की बात करेंगे वो समरूप आवेशित की बात करेंगे। समरूप आवेशित का मतलब होता है कि अचालक पदार्थ पर आवेश इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक स्थान पर इस पर आवेश के मान समान रहे, यानी एकांक आयतन में, इसके संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, नहीं, सभी जगह पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। या हम उस अचालक गोले की चर्चा करेंगे जिस पे आवेश क्या है? समरूप से। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमने कोई भी समरूप आवेशित अचालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ये हमने एक गोला लिया, ये रहा, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और हम क्या चाहते हैं कि इस आवेश वितरण के कारण, इसके ऊपर जो आवेश फैला हुआ है, इस आवेश के कारण है स्मॉल आर दूरी पर, यानी इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, ये हमारा आज का उद्देश्य रहेगा। यानी क्योंकि ये आवेशित गोला है तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस P बिंदु की तीन मुख्य स्थितियाँ हो सकती हैं। क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं वो मैं यहाँ आपको चर्चा करके बताता हूँ। नंबर 1, जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब P बिंदु गोले के पृष्ठ के ऊपर आ जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि P बिंदु गोले के अंदर स्थित हो जाए। तो मुख्य रूप से यहाँ तीन विशेष स्थितियाँ बनती हैं पी बिंदु को लेकर, कि पी बिंदु उस गोले के, जो हमने आवेशित गोला लिया है अचालक गोला, उसके बाहर हो, उसके पृष्ठ के ऊपर हो, या उसके अंदर स्थित हो। तो हम यहाँ एक एक केस को पढ़ेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे। पहले वाले केस की चर्चा करते हैं कि जब पी बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो इस समरूप आवेशित चालक के कारण है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण है उस पी बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा। हम एक व्यापक सूत्र देख लेते हैं विभव का। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी चर्चा की थी,
जब हम चालक गोले के लिए पढ़ रहे थे और आज भी, मैं एक व्यापक सूत्र कौन सा हमारा, ये व्यापक सूत्र है कि v बराबर है माइनस यानी ऋणात्मक मान होता है इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी अनंत से r। क्योंकि मैं पुनः आपको एक बार और अवगत कराता हूँ इस बात से कि हम किसी भी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करते हैं तो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और उसको विद्युत क्षेत्र के पदों में देखें तो ई डॉट डी आर, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है, व्यापक सूत्र है ये, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब हम इस समीकरण एक का प्रयोग करते हुए हम अलग अलग केस देखते हैं इसका। पहला केस लेता हूँ मैं, पहला केस क्या है कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित होगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा गोला लिया है हमने उसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, इस कैपिटल R से P बिंदु की दूरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तो ये शर्त हमारी है कि P बिंदु इस गोले के बाहर है। हमने ये गोला लिया, ये आप गोला देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये मैंने रेड कलर में बनाया, ये धन आवेश है, ये एक समान रूप से इसमें फैला हुआ है, और P बिंदु कहाँ है इसमें आप देख सकते हैं इस गोले के बाहर स्थित है, ये P बिंदु है हमारा, और केंद्र से इसकी दूरी कितनी है स्मॉल r। तो इस P बिंदु पर विभव का मान क्या होगा इसको ज्ञात करने के लिए हम इस आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले हमने समीकरण एक में जो जर्नल फॉर्मूला है इसका व्यापक सूत्र है उसमें देखा कि माइनस लिमिट अनंत से लेकर स्मॉल r ई डॉट डी आर, तो हमें सबसे पहले ई का मान निकालना पड़ेगा, कहाँ इस पी बिंदु पर ई, यानी ई का मतलब यहाँ पर इस गोले में उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम जानते हैं कि हमने गाउस प्रमेय के जब अनुप्रयोग पढ़े थे तो वहाँ हमने इस आवेशित अचालक गोले के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक बनाए थे, आप उस आर्टिकल को भी देख सकते हैं। तो E का मान क्या होता है गोले के बाहर, Q अपॉन 4πε0, निर्वात की बात है ये, इसलिए मैंने ε0 या ε0 लगाया, 1 अपॉन r² × r कैप। ये r कैप कल भी मैंने लास्ट टॉपिक में भी इसके बारे में बताया था, r कैप का मतलब यहाँ पर एकांक सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है कि इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी। हम क्या करेंगे इसे समीकरण दो नाम दे दिया, इस समीकरण दो का मान क्या करेंगे हम, इस समीकरण दो का मान हमें समीकरण एक यानी व्यापक सूत्र में रखेंगे। जब व्यापक सूत्र में रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, ये हमने मान रख दिया कि V बाहर बराबर है, ये हमारा माइनस लिमिट होगी, यह हमने E का मान रख दिया ये वाला उठा के डॉट डी आर। अब इसको सोल्व करेंगे, हमें पता है कि ई कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर, क्यों, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये एकांक सदिश और ये विस्थापन है, ये दोनों क्या हैं एक ही दिशा में हैं, समानांतर हैं, समानांतर होंगे तो इनके बीच में कोण 0° हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो कोस 0 का मान क्या होता है एक होता है। तो ये आर डॉट डी आर यानी आर कैप डॉट डी आर एकांक सदिश डॉट डी आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी डी आर, तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया डी आर, क्यू बाई 4πε कांस्टेंट है इसको बाहर रख लिया इससे, तो समाकलन किसका करना हमने अनंत से लेकर r लिमिट रखेंगे, क्या बच गया एक तो डी आर, इसका मान तो डी आर हो गया और नीचे r स्क्वेयर है, यानी परिवर्तन योग्य जो मान है वो r स्क्वेयर है, इसका हम समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये r स्क्वेयर है ये बटे में है, और नीचे अगर घात धनात्मक है तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऋणात्मक, तो मैं इससे अगले स्टेप में जस्ट ये r की 2 माइनस होगी, यानी जब 1/x² लिख रखा हो तो इसको x की माइनस 2 लिख सकते हैं हम, या r² 1/r² भी दे रखा है तो इसको क्या लिख देंगे r की माइनस 2, इस तरीके से इसको लिख देंगे। और आप सब जानते हैं कि समाकलन कैसे होता है, समाकलन के लिए क्या होता है, जैसे r की माइनस 2 है इसका समाकलन करोगे dr के सापेक्ष तो क्या होता है इसकी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, ये हमने एक जोड़ दिया और जो भी पावर आए उसी से भाग देना -2+1। समाकलन में ध्यान रखना पावर में 1 जोड़ा जाएगा और जो पावर बने उससे उसको भाग दे देंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा विस्तार से भी लिखा हुआ आप इसको देख सकते हो, ये मैंने
इसका समाकलन किया तो क्या किया, इसकी पावर में एक जोड़ दिया और पावर से ये भाग दे दिया। और लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट अपर के और लोअर लिमिट लोअर साइड। तो जैसे ही सोल्व करोगे ये माइनस टू है और प्लस का वन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का वन, और नीचे भी क्या आ गया माइनस वन। अब ये माइनस वन तो ये है और माइनस ये बाहर है, तो इसको जब बाहर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इसलिए यहाँ प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो गया, बच गया क्या। ये एक बात और नोट करें, आर की माइनस वन दिया हुआ है, यहाँ अगर पावर है हमारी ऋणात्मक है, पावर माइनस में है, तो इसको हम प्लस में कैसे लग सकते हैं, वन अपॉन कर देंगे। यानी इसको जब नीचे लेके जाओगे तो ये पावर इस क्या हो जाएगी आपकी धनात्मक बन जाएगी, वापस पॉजिटिव बन जाएगी, जो मैंने इस स्टेप में किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि मैंने क्या किया, इसके आर माइनस वन को नीचे लिया, और नीचे वाले माइनस वन को कहाँ लेके गया मैं, जो ये नीचे माइनस वन था इसको बाहर निकाल लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी इसकी जगह पे, ये रख दी, फिर लोअर लिमिट अनंत को रखेंगे, और एक बटा अनंत क्या होता है जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा V बाहर बराबर है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन, तो ये था ही, और ये वन अपॉन आर रख दिया। तो लास्ट में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कि जब पी बिंदु बाहर हो, जब पी बिंदु हमारा उस आवेशित अचालक गोले के बाहर है, इस तरीके से ये आवेशित, इसके बाहर बिंदु अगर स्थित है तो उस समय V व्युत्क्रमानुपाती R होगा, यानी R बद का मान परिवर्तित करने पर विभव के मान में परिवर्तन होगा। ये हमने इसको मैंने समीकरण नंबर तीन नाम रख दिया। ये हमारा पहला केस है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब भी हमारा पी बिंदु, जिस बिंदु पर हम विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, वो अगर अचालक गोले के बाहर स्थित हो, तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करेगा। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जब हमारा पी बिंदु गोले के पृष्ठ के ऊपर स्थित हो, यानी ये हमारा चित्र देख लीजिए, मैंने ये पी बिंदु इसके पृष्ठ के ऊपर रख दिया है। जब पृष्ठ के ऊपर रखोगे तो अब देखिए ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए ना, यानी पृष्ठ पर उसी समय उपस्थित होगा पी बिंदु जब केंद्र से पी बिंदु की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, तो आर बराबर आर। तो अब जब हम इस केस में क्या करेंगे, जो हम आवेश इस पी बिंदु को बाहर से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, तो बाहर तो क्या था, हम समीकरण तीन में मान निकाल सकते हैं, V का सूत्र क्या निकाला तीन समीकरण में, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल R, इस स्मॉल R की जगह क्या रख देंगे हम कैपिटल R, तो हमारा ये समीकरण चार बन जाएगा। तो पृष्ठ पर विभव का मान क्या हो जाएगा, हमारा पृष्ठ पर विभव का मान ये बन जाएगा, यानी बाहर और पृष्ठ पर दोनों में विभव के मान का सूत्र एक जैसा रहेगा, केवल पृष्ठ पर जब हमारा पी बिंदु होगा तो उस समय दूरी इसकी त्रिज्या के तुल्य हो जाएगी। तीसरा केस, तीसरा केस क्या कहता है, जब बिंदु P हमारे अचालक गोले के अंदर स्थित हो जाए, ये देख लीजिए ये हमारा गोला था आवेशित है, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, P बिंदु यहाँ स्थित है इसके अंदर, यानी पृष्ठ के अंदर आ गया, तो उस समय आप देख पा रहे होंगे कि ये स्मॉल R की वैल्यू है, ध्यान से देख लीजिए चित्र को, स्मॉल R की वैल्यू कैपिटल R से कम है, और कम है तो स्थिति क्या होगी, R लेस देन कैपिटल R, ये स्थिति बन जाएगी हमारी जब P बिंदु इस गोले के अंदर स्थित हो जाए। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, कल भी हमने बात की थी कि अब अनंत से हम किसी आवेश को लेके आते हैं, एकांक धन आवेश को, तो पहले तो ये इसको पृष्ठ पे लाना पड़ेगा, ये बाहर की स्थिति है, फिर इसको अंदर लाना पड़ेगा, तो यहाँ दो तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आप देख पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित अलग अलग तरीके से होती है। मैंने यहाँ पूरी व्याख्या की है इसकी, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से R तक, स्मॉल R की बात की, यानी P बिंदु की बात की, मैंने यहाँ लाना है अनंत से P बिंदु तक, लाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ एक समान रूप से परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अनंत से पृष्ठ तक जब लेके आएंगे, यानी बाहर के क्षेत्र में रखेंगे, तो इस गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रभावित करेगी, और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा केस क्या कहता है ये कि जब हम पृष्ठ पे आ चुके हैं और पृष्ठ से जब अंदर की साइड चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर r के समानुपाती निर्भर करती है, यानी दोनों ही अवस्थाओं में, यानी इस गोलीय अचालक के बाहर और गोलीय चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ भिन्न भिन्न हैं। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होंगी तो स्वाभाविक सी है किया गया कार्य भी भिन्न होगा, और जब किया गया कार्य भिन्न होगा तो उनके विभव के मान भी अलग अलग होंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बाहर विभव V1 है और इसके अंदर विभव V2 है। तो P बिंदु तक अनंत से जब आए तो किया गया कुल कार्य किसके बराबर हो जाएगा, बाहर लाने में कार्य, पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य और पृष्ठ से अंदर तक लाने में किए गए कार्य के योग के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि P बिंदु पर विभव क्या होगा, V1 और V2 दोनों विभव को जोड़ दो तो कुल विभव किसके बराबर हो जाएगा, ये बाहर का विभव है और ये इसके अंदर का विभव, दोनों को जोड़ोगे तो कुल विभव निकल जाएगा। इसलिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल सिस्टम से समझेंगे। देख लीजिए, मैं दोनों भागों को अलग अलग करके समझा दूंगा। इसके दो भाग बना लिए हमने, एक बाहर और एक अंदर। पहले लेता हूँ अनंत से पृष्ठ तक विभव, यानी इसका डायग्राम से समझोगे, ये आपका गोला है, अनंत से लेकर आप पृष्ठ तक आए हैं इस बिंदु तक। तो इस बिंदु, ये बिंदु की दूरी कितनी है, कैपिटल R। तो आप क्या कह सकते हो, अनंत से लेकर कैपिटल R तक आने में विभव का मान क्या होगा। तो ये क्या है, अनंत से पृष्ठ तक आने में विभव का जर्नल सूत्र लगाओ, V1, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, V1। V1 क्या हो जाएगा, माइनस, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी अनंत से कैपिटल R, ये हमारी लिमिट होगी। और सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने ये दर्शा दी कि गोले जो हमारे आवेशित अचालक गोला है इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/4πε0 1/r² r कैप, ये एकांक सदिश है, जो r कैप ये क्या है, एकांक सदिश है, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस मान को उठा के समीकरण 1 का फॉर्मूला याद कीजिए, समीकरण 1 का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R EdR। तो E का मान उठा के रखोगे तो आपका ये सूत्र ऐसे बन जाएगा, जब R का मान रखोगे तो ये सूत्र बन गया। और मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बस समझाया था कि R.dr किसके बराबर होता है, R.dr, ये dr बन जाता है, ये एकांक सदिश है, इसका मान एक होता है इसलिए dr बचेगा। तो इसको सोल्व करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R dr/r, ये भी हमने ऊपर समाकलन हल किया था, सेम समाकलन किया था। तो dr/r² दे रखा है, इसका समाकलन सोल्व करना हो, मैं सिर्फ समाकलन समझा देता हूँ आपको, क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, r^-2 समाकलन dr, r^-2 का समाकलन क्या हुआ था, r^-2 dr का समाकलन बराबर है, ऐसे कर सकते हैं, इसकी पावर में एक जोड़ो, तो -2 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, और पावर से डिवाइड कर दो और इसको सोल्व करेंगे। तो ये अगर इसको एग्जैक्टली देख लिया जाए, ये -1 तो ऐसे कैसा, और ये r^ है, इसकी पावर अगर -1 में हो तो नीचे लेके जाओगे तो प्लस में पावर हो जाएगी, तो 1/r बन जाएगा माइनस में, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इसको, इसका समाकलन ये, क्योंकि इसको ऊपर मैंने समझा दिया था जब हम बात कर रहे थे स्थिति की कि पी बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, उस समय ये समाकलन सोल्व किया था, लिमिट चेंज कर देंगे। अब लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, और ये माइनस का जो चिन्ह है इस माइनस को बाहर ले आओ, एक माइनस बाहर है, एक ही हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस बन गया। अब क्या किया, लिमिट रखोगे, लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले ये अपर आर रखो, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा जाएगा, तो 1/r माइनस, फिर अनंत को रखोगे 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है, 0, तो क्या बन जाएगा हमारा लास्ट आंसर, ये हमारा लास्ट इक्वेशन बन जाएगी कि V1 ने बराबर है Q/4πε0R। ये हमारा पहले केस हो गया, पहला केस का मतलब है कि किसी भी आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से इस गोलीय चालक के पृष्ठ तक लाने में जो विभव होगा वो कितना होगा, V1 बराबर है Q/4, इसको समीकरण 5 से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी का दूसरा भाग देखेंगे, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हमारे मैंने कहा ना दो भागों में तोड़ के इसको पढ़ेंगे, एक तो पृष्ठ तक लेके आओ फिर पृष्ठ से अंदर चलो। तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जब इस गोले के पृष्ठ पे आ चुका है, यहाँ कैपिटल R पे,
अब हमें लाना कहाँ है, इस पी बिंदु पे, तो यहाँ से यहाँ तक लाना है। ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो क्या कहलाएगा, पृष्ठ कितनी दूरी पे था, इसकी त्रिज्या के बराबर, पी बिंदु कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर पे, तो लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, लिमिट बन गई कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। फॉर्मूले में रख दो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो आवेशित अचालक गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हमने ये गाउस प्रमेय में पढ़ा था, आप गाउस प्रमेय का टॉपिक निकाल के वहाँ से भी देख सकते हो। ई अंदर क्या होता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, स्मॉल आर कौन सा है, ये जो पी बिंदु की दूरी है, और बटे हुए कैपिटल आर, यानी इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ई बराबर है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, यानी दूरी जिस बिंदु पर अंदर जो बिंदु स्थित है उसकी केंद्र से दूरी, बटे हुए कैपिटल आर की थ्री, यानी त्रिज्या की घात तीन, और आर कैप इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हमने गाउस प्रमेय के अंदर जब गोलीय आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाया था उस समय ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, तो इस फॉर्मूले को रखना है हमने। तो सूत्र क्या है हमारा, समीकरण एक से जो व्यापक सूत्र है उसमें रख देंगे, वी टू बराबर है माइनस, लिमिट क्या होगी, पृष्ठ से लेकर बिंदु पी तक, यानी कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर, इसकी लिमिट रख दी, और ई का मान ये उठा के इसमें रख देंगे, तो हमारा ई आर्टिकल यहाँ तक बन जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है, कांस्टेंट कौन कौन है, क्यू भी कांस्टेंट, आवेश नहीं बदलता, फोर पाई एप्सिलॉन भी नहीं बदलता, आर की तीन भी नहीं बदलता, ये तीनों के तीनों क्या करेंगे हम, इनको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे। बदल कौन रहा है, इसका मान तो क्या हो गया, इस पूरे का मान तो डी आर हो गया, और ये स्मॉल आर जो परिवर्तनशील वैल्यू है इसको यहाँ रख दिया हमने। अब यहाँ से देख लीजिए, अब मैं इसको आर्टिकल को समझा देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसे का ऐसा रखना है, इसका समाकलन करो। समाकलन के लिए मैंने क्या कहा था आपको, कि घात में एक जोड़ देंगे और जो भी आंसर आए उस घात से भाग दे देंगे, तो यहाँ क्या है, आर डी आर, तो इसकी घात कितनी है, वन, तो एक जोड़ोगे कितना हो गया, आर की टू अपॉन टू, तो ये मैंने समाकलन करके इसका समाकलन ये कर दिया, आर की टू अपॉन टू। लिमिट क्या है, नीचे की लिमिट तो नीचे रखी जाएगी, ऊपर की लिमिट ऊपर रखी जाएगी। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट कैसे रखते हैं, ये जो स्मॉल आर है इसकी जगह एक बार ये रखना है, माइनस करके नीचे वाला रखना, रखते हैं पहले ऊपर वाला रखो, ये देखो ये ऐसे कैसा रह जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर को यहाँ रखोगे तो स्मॉल आर ही बनेगा। फिर हमने क्या करना है, ये वैल्यू आर यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को खोल देना है हमें, इस इक्वेशन को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है, इसके साथ रखोगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर की थ्री था, टू ये बाहर है तो कितना हो जाएगा, एट, इसके अंदर गुणा कर दी तो ये हो गया माइनस क्यू आर स्क्वायर एट पाई एप्सिलॉन जीरो आर की थ्री। फिर इस टाइप की सेकेंड वाले टर्म से करेंगे तो माइनस ये है माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ऐसे कैसे रहेगा, टू है यहाँ नीचे तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा, एट, और आर स्क्वायर था यहाँ, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या था, ये आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, आर की तीन, तो ऊपर आर स्क्वायर हो नीचे आर की तीन आ जाए तो ये कट जाएगा तो आर बचेगा, तो हमारा समीकरण छः इसका वी टू का मान बन जाएगा। यानी हमने दो वी बहु निकाल लिए, एक तो अनंत से लेकर इसके पृष्ठ तक, और दूसरा निकाल लिया हमने पृष्ठ से लेकर बिंदु पी तक। दो विभव आगे, इन दोनों को जोड़ दो, कुल विभव निकल जाएगा, कुल विभव अंदर का क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, यानी समीकरण पाँच और छः को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो पाँच का मान तो क्या आया था, ये रहा, ऊपर हमने पढ़ा था क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर, और वी टू का मान ये है, ये दोनों टर्म यहाँ आ जाएंगे, ये। अब इन दोनों में से क्या करना है आपको, अब इसको सोल्व जब करेंगे हम, तो इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, क्यू आ गया बार, इसके पास पाई एप्सिलॉन है, इसके पास पाई एप्सिलॉन है, इसके पास पाई एप्सिलॉन है, पाई एप्सिलॉन भी बाहर आ गया, चार इसके पास है, इसके पास भी चार है, इसके पास भी चार है, तो बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया हमने, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, वन अपॉन आर, इसके पास क्या बच गया, वन अपॉन आर, माइनस का साइन ऐसे कैसे, इसके पास ऊपर आर की टू बचा हुआ, नीचे आठ था, चार हमने बाहर ले लिया तो दो बचेगा, और एक आर की तीन बच गया, और इसके पास क्या बच गया, नीचे टू आर बच गया। अब इसका एलसीएम सोल्व करना हमने, अब मैं इसका सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, टू आर की तीन, ये आपका एलसीएम बचेगा। यहाँ देखिए आर है, एक आर कटेगा तो आर स्क्वेयर, तो ये क्या बन गया, टू आर स्क्वेयर, माइनस साइन ऐसे का ऐसा, यहाँ स्मॉल आर स्क्वेयर,
प्लस ये लास्ट में क्या बचा हुआ है, टू आर है, टू से टू कटेगा, आर से आर, तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको सोल्व करके देख लेंगे आप लोग, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, वन अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर की क्यूब प्लस वन अपॉन टू आर। जब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बनेगा टू आर की क्यूब, यहाँ बचेगा इस आर से एक आर कटेगा तो टू आर स्क्वायर बच गया, माइनस ये टू आर की क्यूब पूरा कटेगा तो ऊपर सिर्फ स्मॉल आर स्क्वायर है, प्लस टू से टू कट गया, एक आर से एक आर, ये कैपिटल आर है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। देखिए टू आर स्क्वायर तो ये है, मैं इसका ऐसे बन गया ये हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे हो गया टू आर की क्यूब टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आप इसको देख लीजिए, टू आर स्क्वायर तो ये है और आर स्क्वायर ये है, तो कितना बन गया, थ्री आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर वाला अकेला रह गया तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है टू कैपिटल आर की क्यूब। ये हमारी इक्वेशन सोल्व करने पर बनेगी, आप रफ कॉपी पे इसको एक बार करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया, ये देख लो, थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू। ये आपके अचालक गोले के पृष्ठ के अंदर के भाग में विभव का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हमने ये इस इक्वेशन का नाम सेवंथ इक्वेशन रख दिया। अब यहाँ से आगे एक केस और बना सकते हैं हम, चार नंबर केस पे, कि भाई इस गोले के, ये हमारा गोला है ऐसे, हमने बाहर निकाल लिया पी बिंदु पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पृष्ठ पे निकाल लिया, इसके अंदर निकाल लिया, इसके केंद्र पे भी निकाल सकते हैं। तो केंद्र पे निकालने के लिए क्या होगा, देखो समझना, ये गोला है, ये केंद्र बिंदु है, अगर आप यहाँ से बिंदु को उठा के इसके केंद्र पे ले आओगे तो दूरी यहाँ था तो आर थी, ये दूरी कम होते 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 इसके केंद्र पे आओगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, शून्य, यानी केंद्र से दूरी जीरो है। तो हमें क्या करना, स्मॉल आर का मान जो हमारे सेवंथ इक्वेशन आई है, ये सेवंथ इक्वेशन आई है, इसमें इस स्मॉल आर को क्या रख देंगे, जीरो, तो ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, हमारा केंद्र पे हो जाएगा, तो रख देते हैं। तो अचालक गोले के केंद्र पे मान निकालने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, समीकरण सात में आर का मान शून्य रख देना, स्मॉल आर का मान, तो समीकरण सात में यहाँ शून्य बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, क्यू अपॉन फोर अपाई एप्सिलॉन ऐसे कैसा, थ्री बाई टू भी ऐसे कैसा, ऊपर तो आर स्क्वायर है और नीचे आर की क्यूब है, इससे जब काटोगे तो एक आर बचेगा, वो भी नीचे बचेगा, तो हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र पे वी केंद्र बराबर है, ये तीन बटा दो को मैं आगे लिख देता हूँ, क्या बच गया, क्यू, और नीचे क्या बच गया, फोर पाई एप्सिलॉन। अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, हमने जब पृष्ठ पे निकाला था वी पृष्ठ, तो उसका सूत्र क्या आया था, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये वी पृष्ठ की वैल्यू थी, तो ये भी तो वैसे ही वैल्यू दिख रही है, तो ये वी पृष्ठ यहाँ रख दिया जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि किस हमारे आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव के मान का तीन बटा दो गुना है, और तीन बटे दो को क्या बोलते हैं, 1.5 भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि यह स्पष्ट होता है कि आवेशित चालक गोले के केंद्र पर विभव का मान, केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ के विभव के मान का 1.5 गुना होता है। ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव के मान का 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है, सिद्ध करो, तो आपको ये बना के दिखाना पड़ेगा। अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ किसके बीच में होगा, मैं एक बार यहाँ रफली बता देता हूँ आपको, यहाँ जगह है मेरे पास। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, इधर हम दूरी ले लेंगे, इधर हम विभव ले लेंगे। अब केंद्र से जब ये केंद्र बिंदु है ओ बिंदु, जैसे जैसे जाओगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी ना, इसका पृष्ठ आ जाएगा, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। हमें क्या पता है कि जब ये वाला भाग क्या हो गया, इधर जाओगे तो आर बड़ा है कैपिटल आर, और इधर वाला क्या हो गया, आर छोटा है कैपिटल आर, ये हमारी लिमिट होगी बिंदु। इससे इधर जाओगे गोले के बाहर हैं, इधर आओगे गोले के अंदर हैं, और ये आपका गोले का पृष्ठ है। हमने क्या देखा था कि पृष्ठ के बाहर
जब हम पृष्ठ के बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र जो हमारा विद्युत विभव था पृष्ठ के बाहर था व्युत्क्रमानुपाती आर, और जब व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब कम होता जाएगा, आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वी का मान कम होता जाएगा, ये बाहर की बात है। दूसरी बात है कि इसके अंदर, अब ग्राफ के पे देखिए, ये मैंने ग्राफ बना दिया, अब ये बाहर है, इससे बाहर की तरफ जाओगे तो इसका मान कम होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वी का मान कम होता चला जाएगा, और वी का मान कम होगा तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये तो ये पृष्ठ था, इससे बाहर जाएंगे तो ये ऐसे कम होता चला जाएगा। पृष्ठ पे सब ऐसा मान होगा क्योंकि क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन, मान लीजिए ये मान आपका पृष्ठ का मान ये है वी एस का मान, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो आर का मान बढ़ रहा था, सॉरी आर का मान क्या हो रहा था, आर का मान कम हुआ, आर का मान जैसे जैसे कम हुआ तो वी का मान बढ़ा, और जैसे जैसे आप इसके केंद्र पे पहुंचते हो तो केंद्र बिंदु पर यहाँ आ गया आप इस पॉइंट पे, तो केंद्र बिंदु पे क्या अभी सिद्ध किया हमने कि वी केंद्र बराबर है 1.5 गुना वी पृष्ठ, तो पृष्ठ पे जितना मान था उसका कितना हो गया 1.5 गुना, यानी 3/2 गुना बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक जो मान है इसका आधा मान और ऊपर बढ़ जाएगा, आधा मान और बढ़ेगा तो क्या हो गया, जब केंद्र से इस पृष्ठ से अंदर की ओर आए तो इसका मान बढ़ता बढ़ता यहाँ चला जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा विभव कहाँ होगा, अब यहाँ नोट करो, इस ग्राफ को देखो, ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ है, तो इस बिंदु से आगे जा रहे हो तो कम हो रही है और इधर जा रहे हो तो बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा मान कहाँ है विभव का, आप नोट कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा विभव का मान है आपके केंद्र पर है। तो क्वेश्चन बन जाए कि विभव का आवेशित अचालक गोले पर विभव का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कहाँ होता है उसके केंद्र पे, और पृष्ठ के बाहर जाओगे तो कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको ये ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ को बनाओगे तो आपको एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी और आपको नंबर देगा, आसानी से नंबर दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो एक बार और इसको दोबारा देख लें इस वीडियो को, और दोबारा इस वीडियो को देख के और आप नोट्स बनाएं अच्छे से, आप लिखने की प्रैक्टिस करें, और फिर इसको 2 या 3 बार पढ़ के फिर एक बार इसको बगैर देखे आप लिखने का प्रयास करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये आसानी से। तो आप निरंतर आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे से जुड़े रहें, इस मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो, ताकि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो और वो अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सके। मेरे इस चैनल की विशेषता ये है कि इसमें आपको 12th के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, हर टॉपिक को, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, लगातार हम चलेंगे, जिस जैसे जैसे आपका सिलेबस है उसी तरीके से लगातार आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। आप हमारे से जुड़े रहे, इसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।